हेलो फ्रेंड्स, जैसे संदीप विश्वकर्मा, आज मैं आपको पांडा फॉल के कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैं पांडा फॉल के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये एक जो झरना आपके सामने जो बह रहा है, पांडा फॉल का ही झरना है। ये तालाब सरोवर है, इसमें कई सारी मछलियाँ और जल प्राणी घूम रहे हैं। ये जंगल है जो काफ़ी घना जंगल है, अभी जो जंगल है इतना घना नहीं है। इसके साथ जो आपको झरना के ये झरना दिखाई दे रहा है, ये कैन नदी में जाकर मिलता है। इसमें आपको कुछ गुफाएं भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो आपके साथ लोहा लेके चलता हूँ गुफाएं। ये जो पानी है साथ में, ये जो पानी आपके सामने ये बह रहा है, काफ़ी दूर से है। चलो मैं पास में चलता हूँ इसके। ये जो पानी गिर रहा है काफ़ी अच्छा पानी है, ये नेचुरल पानी है जो 12 महीना गिरता रहता है। इसके साथ ही आपको मैं गुफाओं के अंदर भी चलता हूँ लेकर। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो बहुत पुरानी गुफाएं हैं, ये देखिए आप, ये गुफाएं कुछ ज़्यादा खास बड़ी नहीं है। इसके साथ अंदर भी आप लोग और गुफा देख सकते हैं। ये पानी, ये देखिए पानी आप, और आपको अंदर ले चलता हूँ मैं। ये गुफाएं देखिए आप, अंदर में आपको ले चलता हूँ इसके। ये देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये काफ़ी मुश्किल से 1600-1700 साल पुरानी गुफाएं गुफाएं हैं। चल के देखते हैं आप लोग। और सर देखिए, आपको और आना आपको लेके चलता हूँ और गुफाओं में। ये देखिए आप, गुफाओं का नज़रिया देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये चलते हैं हम अंदर, गुफाएं हैं। यहाँ कहा जाता है एक समय के लिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे पांडवों का निवास यहाँ पे हुआ था। जब वो अज्ञातवास के लिए गए थे तो मैंने कुछ समय बताया था, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा रखा गया है। देखो आपको मैं अंदर भी ले चलता हूँ। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी गुफा वगैरह है, और मैं अंदर चलता हूँ। ये देखिए आप, ये गुफा देखिए आप, इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, काफ़ी यहाँ पे कोई धूल वगैरह, काफ़ी मिट्टी वगैरह ढली हुई है। इसके साथ ही कोई सफाई वफाई भी नहीं करता, क्योंकि इतना गंदा डला हुआ है। जहाँ चमगादड़ का एरिया भी है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये चमगादड़ हैं। ये देखिए आपको, यहाँ से मैं नज़ारे भी दिखा देता हूँ चांडा फॉल के, और भी वैसे नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। ये लीजिए, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये चट्टानें हैं, ये पड़ादार चट्टानों का उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये पत्थर चट्टानें दिख रही होंगी। ये आपको और जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये कुछ कटी ही चट्टान है ये, इसको परतदार चट्टानें कहते हैं। ये आपको बहुमूल्य संख्याओं में आपको देखने को मिल सकती हैं। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, ये ऊंचाई की रेलिंग है जहाँ से मैं आया था, और ये नीचे की ओर आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ मछलियाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए आप, कुछ मछलियाँ आपको शायद दिख भी रही होंगी, शायद पानी बहुत तेज घना है। ये देखिए कुछ मछलियाँ, ये कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, शायद कुछ मछली दिख जाए, क्योंकि पानी बहुत गंदा है, और कुछ मछलियाँ अंदर भी काफ़ी अंदर इसलिए दिख नहीं रही हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।